सो व्हाट इज गोइंग ऑन पीपल, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल ऋतिक शर्मा। गाइस आज की वीडियो होने वाली है अफोर्डेबल पे वर्कआउट के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि मार्केट में प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स भी कॉस्टली हैं, लगभग 2000 से 2500 के बीच में ही आपको प्री वर्कआउट के सप्लीमेंट्स मिलते हैं। तो इसलिए मेरी आज की वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बंदों के लिए जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस टाइम पर जो मैंने अपना खुद का प्री वर्कआउट के डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स अपने घर पर रखे हुए हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस हमारे प्री वर्कआउट का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आएगा वो आएगा कॉफी। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि 2 रुपए वाले कॉफी के सैशे मैंने लिए हैं, तो ये लगभग 1 महीने तक चल जाएंगे। बहुत सारे सैशे मैंने एक साथ में ले लिए हैं, तो सिर्फ 2 रुपए का एक सैशे आपने एक दिन के लिए यूज करना है। तो कॉफी है हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट। तो सेकेंडली हमारी जो आएगी सेकेंड इंग्रेडिएंट वो है प्रो फूड्स न्यूट्रिशन की सिट्रुलिन। गाइस ये सिट्रुलिन मैंने इसके बारे में डिफरेंट वीडियो भी बनाई है, आपको अगर पता करना है कि सिट्रुलिन आखिर करती क्या है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस सिट्रुलिन जो है ये मुझे 350 ग्राम मिली है 700 रुपीज में, मतलब कि अगर मैं एक दिन की 6 ग्राम यूज करता हूं तो लगभग 58 to 59 डेज तक ये सिट्रुलिन मेरी चल जाएगी। तो 700, तो इसी के साथ हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है प्री वर्कआउट का वो आता है नाइसिन। आपने नोटिस किया होगा कि नाइसिन भी बहुत से प्री वर्कआउट्स में यूज की जाती है और इसके ऊपर भी मैंने सेपरेटली वीडियो बना दी है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये नाइसिन मुझे लगभग 300 रुपीज में मिल गई थी और ये मेरी चल जाएगी 50 दिन तक। अगर आप एवरेज लेते हैं, मतलब कि सिट्रुलिन मेरी 58 डेज तक चल रही है, तो हम ले लेते हैं कि हमारी 50 डेज तक चलेगी। नाइसिन हमारी 50 डेज तक चल रही है और कॉफी हमारी 2 रुपए का सैशे, ये भी हमारा 50 डेज तक अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 50 डेज की टोटल कॉस्ट आती है 1100। तो 1100 को अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो एक दिन की कॉस्ट आएगी वो आएगी लगभग 21 रुपए। गाइस 21 रुपए एक बहुत ही अफोर्डेबल वैल्यू है एज कम्पेयर टू आपके जो एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स मार्केट में आते हैं उनके साथ कंपेयर करके। तो मैंने उन एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स को भी यूज किया है और मैं इन तीनों चीजों का मिक्सचर भी यूज कर रहा हूं, तो आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि नाइसिन की वजह से अच्छे पंप्स आते हैं, सिट्रुलिन भी पंप में हेल्प करती है और कॉफी की वजह से मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूं। तो ये मेरी वीडियो थी उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बंदों के लिए जो एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स प्री वर्कआउट के ट्राई आउट नहीं कर सकते। आप इसको डेफिनेटली एक अफोर्डेबल तीन चीजों का सिर्फ मिक्सर है, आप इसको ट्राई आउट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, सी यू अगेन।